हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वी आर हियर अगेन विद अवर लेक्चर सीरीज दैट इज गोइंग ऑन फॉर क्लास 11। इन दिस सेक्शन वी विल डील विद द फाइलम निडेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डील्ड विद द फर्स्ट फाइलम दैट इज पोरिफेरा। इन द पोरिफेरा वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोरिफेरन्स एंड देयर फीचर्स, हाउ डू दे वेरी विद डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। We have discussed in the last phylum. In this phylum, we will discuss about the phylum Nidaria, how they are derived, how their name has been named as Nidaria, what is another name for Nidaria, and these so on. So let's start up with the phylum Nidaria with general characteristics. In phylum Nidaria, or you can say Coelenterata, basically these are aquatic in nature. कहाँ मिलेंगे? पानी के अंदर मिलेंगे. Mostly marine. That means found in sea water, not in case of fresh water. They can be solitary, can be found individually or in form of colonies. They can be sessile or they can be free living. What are sessile? When they are attached to any substratum, they can be considered as sessile. If they are not attached to any surface, then they are considered as free swimming. They are basically radially symmetrical, but in case of sea anemones, it is an example of biradially symmetrical animal. Clear to all? Now, why this phylum is considered as phylum Nidaria? This is considered as phylum Nidaria due to presence of the stinging cells. Stinging cells, or you can say nidoblast or nidocytes, are those cells which are responsible, or you can say responsible for defense, एनकरेज और प्रे कैप्चर. जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रे कैप्चरिंग के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है. किसके अंदर? फाइलम निडेरिया के अंदर. उन सेल्स को हमने क्या बोला? नीडोसाइट्स. और नीडोसाइट्स के प्रेजेंस की वजह से इनको क्या नाम दिया गया? निडेरिया. नीडोसाइट्स आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स. कहाँ प्रेजेंट होंगे? टेंटिकल्स के ऊपर. क्लियर है इतनी बात? नीडोसाइट सेल्स के बारे में यहाँ दिखाया हुआ है. निडेरियंस आर फर्स्ट मेटाजोन्स टू एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे क्या है बच्चे? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे. दैट मीन्स सेल्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म स्पेसिफिक टिश्यूज. टिश्यूज की फॉर्मेशन यहाँ फर्स्ट टाइम होगी. तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है, विच फर्स्ट फाइलम शोज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नीट के परस्पेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसके अंदर दिखाई जाती है? निडेरियंस के अंदर. They are diploblastic. What do you mean by diploblastic? They are formed of two germ layers. How many germ layers? Two germ layers. Which two germ layers? First one is ectoderm and second one is endoderm. That means there is no presence of mesoderm. Clear to all? And due to presence of two germ layers, it is considered under diploblastic animals. Hence, they are considered as Coelenterata. They have gastrovascular cavity, or you can say coelenteron. इनके अंदर क्या होती है? कैविटी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? coelenteron. क्लियर है? ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसके अंदर गेस्ट्रोडर्मिस को दिखाया हुआ है, मिजोग्लिया को दिखाया हुआ है. ये मिजोग्लिया प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में. एपिडर्मिस बाहर की लेयर होती है. ये क्या है? ये टेंटिकल्स हैं. और बीच में जो स्पेस, जो गट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हमारा गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है. ऊपर आपको माउथ दिखाया जा रहा है. क्लियर है? दे आर बेसिकली विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कैसे नेचर का होगा? इनकम्प्लीट होगा. इनकम्प्लीट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो, जहां पे सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट मीन्स ओनली माउथ इज प्रेजेंट, देयर इज नो एनस. सिर्फ माउथ हो और एनस ना हो उसको भी इनकम्प्लीट बोलेंगे. सिर्फ एनस हो, माउथ ना हो, तो उसको भी इनकम्प्लीट बोलेंगे. अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. बट इन केस ऑफ फाइलम निडेरिया देयर इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. क्लियर है? सीलेंट्रेन और यू कैन से गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी शोज बोथ डाइजेस्टिव एज वेल एज सर्कुलेटरी फंक्शन. सर्कुलेटरी सिस्टम का भी काम और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी काम कौन कर रही है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कर रही है. क्लियर इतनी बात? डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. वेन द डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल,
दैट इज कंसिडर्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एंड वेन द डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर है बट सेल के बाहर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इसके अंदर दोनों प्रोसेसेस होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलरली भी डाइजेस्ट होगा खाना और इंट्रा सेलुलरली भी। एक्स्ट्रा सेलुलरली किसके अंदर, सिलेंट्रॉन के अंदर, और इंट्रा सेलुलरली मस्कुलर सेल्स ऑफ एंडोडर्म, एंडोडर्म की मस्कुलर सेल्स के अंदर क्या होगा बच्चे, डाइजेशन होगा यानी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा। क्लियर है इतनी बात। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव टाइप फॉर्मड ऑफ डिफ्यूज्ड नर्व नेट, यानी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम यहाँ पे नहीं होगा बल्कि डिफ्यूज्ड टाइप होगा, जिसमें नर्व्स के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्टेटोसिस्ट क्या होंगे, स्टेटोसिस्ट आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन मेडुसोइड फॉर्म। अब ये मेडुसोइड फॉर्म क्या होती है, बेसिकली निडेरिया के अंदर दो फॉर्म्स होती हैं, और यू कैन से दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, एक फॉर्म होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेडुसा, और मेडुसा के अंदर क्या होते हैं, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे देखो। सम निडेरियंस हैव CaCO3 एक्सोस्केलेटन, यानी निडेरियंस के अंदर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, और एक्सोस्केलेटन बेसिकली किसके अंदर आता है, कॉरल्स के अंदर। ठीक है, और किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, दैट मींस CaCO3। क्लियर टू ऑल, एक्सोस्केलेटन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड एंडोस्केलेटन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी and maintain responsible for maintenance of body posture. Clear to all? Now, what is polymorphism? Or you can say dimorphism. A specific term, dimorphism. Dimorphism, that means two external forms. In case of phylum Cnidaria, there is a specific feature in which they shows two different forms. First one is polyp, second one is medusa. Clear to all? These two forms have polyp. In first case, that is polyp, it is sessile, that means attached to the substratum, and cylindrical form. कैसी होती है, cylindrical form में होती है, जो आपको यहां दिखाई दे रही है। ठीक है, examples इसके अंदर क्या आएंगे, hydra and admecia. But in case of medusa, they are basically free swimming and umbrella shape. कैसे होंगे, umbrella shape, ये aurelia के अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है, और पोलिप से हम मेडुसा फॉर्म को अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं एसेक्सुअली, और मेडुसा से पोलिप में जाएंगे सेक्सुअल मोड के अंदर। क्लियर है इतनी बात। मेटाजेनेसिस, व्हाट इज मेटाजेनेसिस, पोलिप से मेडुसा का बनना और मेडुसा से पोलिप का बनना, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस, और यू कैन से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी क्वेश्चन आया, विच एनिमल शोज बोथ टाइप ऑफ फॉर्म्स, That means polyp also and medusa also. तो जो ओबेलिया है वो क्या दिखाएगा, वो polyp form भी दिखाएगा और वो medusa form भी दिखाएगा। Clear है? Now medusa and polyp. देखो, polypoid forms form medusae. Polyp form किसके अंदर convert हो रही है, medusa के अंदर, किस process से बचे, asexually. और medusa से polyp बन रही है किस form से, sexually. और एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, वो किसके थ्रू है, ओबेलिया के थ्रू। देखो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है सिनोसार्क है, ओवरी है, मेडुसा है, यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से फ्री स्विमिंग लार्वा बन गया, सेटल डाउन होके नई कॉलोनी बनाई। ठीक है, और ये ओबेलिया कॉलोनी यहाँ पे डेवलप हो गई है। क्लियर है, तो यहाँ दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, सेक्सुअल मेथड भी चल रहा है और एसेक्सुअल मेथड भी चल रहा है। अब बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो बेसिकली शो करते हैं फाइलम निडेरिया, वो एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू, सेक्सुअली फर्टिलाइजेशन के थ्रू। डेवलपमेंट जो यहाँ होगी वो कैसी होगी, डायरेक्ट होगी। लार्वा जो यहाँ होगा वो कौन सा होगा, प्लेनुला होगा, सिलिएटेड होगा, बॉडी के ऊपर सिलिया होंगे, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और ये बेसिकली फ्री स्विमिंग नेचर का होगा। क्लियर है इतनी बात। निडेरिया की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली तीन क्लासेस के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ। क्लियर है, हाइड्रोजोआ मे बी सॉलिटरी, किस नेचर की हो सकती है, सॉलिटरी, एग्जांपल है हाइड्रा, और कॉलोनियल भी हो सकती है, एग्जांपल क्या है, ओबेलिया। पॉलीपोइड फॉर्म्स मोर कॉमन होती हैं और फ्री स्विमिंग होती हैं। क्लियर है इतनी बात। पॉलीप और
मेडुसा फॉर्म एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। यहाँ पर मीजोग्लिया इज नॉन सेलुलर, मीजोग्लिया प्रेजेंट होगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। यहाँ पे एक नॉन सेलुलर लेयर प्रेजेंट होगी, दैट इज नॉन एज मीजोग्लिया। सीलेंट्रॉन और यू कैन से कैविटी जो होगी वो सिंपल होगी, अनडिवाइडेड स्टेट में होगी। क्लियर है इतनी बात? नीडोसाइट्स जो होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक्टोडर्मल लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? बात आई जर्म सेल्स। जर्म सेल्स हैं वो कहाँ से डेराइव होंगे? एक्टोडर्मल ओरिजन के होंगे। ठीक है, कुछ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के जॉइड्स को दिखाएंगे, लाइक फाइसेलिया इसका एग्जाम्पल है। क्लियर है? जॉइड इज ए सिंगल इंडिविजुअल इन द कॉलोनी। जॉइड क्या होता है? एक सिंगल इंडिविजुअल को हम जॉइड बोल देते हैं। ठीक है, हाइड्रा क्या है? फ्रेश वाटर पॉलिप एग्जाम्पल है, ओबिलिया सीफर, और यू कैन से फाइसेलिया, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम निडेरिया। क्लियर टू ऑल? नाउ डू यू नो दैट व्हाई फाइसेलिया इज कॉमनली कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर और मैन ऑफ वॉर? द मैन ऑफ वॉर मीन्स बैटल शिप विद कैनन्स और पावरफुल वेपन्स ऑफ पुर्तगाल वंस हैड। फाइसेलिया हैज मेनी टेंटेकल्स। देखो, बैटल शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे वेपन्स थे पुर्तगाल के अंदर, और फाइसेलिया भी कुछ इसी तरीके से टेंटेकल्स के साथ होता है, स्टिंगिंग सेल्स के साथ होता है, इसलिए उसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट जो क्लास है वो क्या है? स्काइफोजोवा, जिसके अंदर जेलीफिश और यू कैन से मीजोग्लिया कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। सॉलिटरी फॉर्म होती है, कॉमन फॉर्म जो होगी यहाँ मेडुसोइड होगी। माउथ के साइड में फोर और लार्म्स होंगे। जो सीलेंट्रोन है वो डिवाइडेड होगी फोर चैम्बर्स के अंदर। मीजोग्लिया के अंदर कौन से सेल्स होंगे? अमीबोसाइट्स होंगे, दैट मीन्स अनडिवाइडेड सेल्स प्रेजेंट होंगे। एक्टोडर्मली भी अराइज कर सकते हैं और एंडोडर्मी भी अराइज कर सकते हैं। कौन से सेल्स? नीडोसाइट्स। जर्म सेल्स कहाँ से? एंडोडर्मल ओरिजन से होंगी। क्लियर है? एग्जाम्पल्स आर राइजोस्टोमा एंड ओरिलिया, दीज आर जनरल एग्जाम्पल्स। इन द लास्ट क्लास, दैट इज एंथोजोआ और यू कैन से एक्टिनोजोआ, सी एनिमल्स बेसिकली नाम है, पॉलीपोइड फॉर्म प्रेजेंट होगी। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में क्या होगी बच्चे? हमारी सिलेंट्रॉन या बॉडी कैविटी डिवाइडेड होगी। मीजोग्लिया में कनेक्टिव टिश्यू होंगे, सबसे पहले में कोई सेल्स नहीं थे, सेकेंड के अंदर क्या थे? अमीबोसाइट्स थे, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है। एक्टोडर्मली भी अराइज कर सकते हैं और एंडोडर्मली भी, नीडोसाइट्स दोनों के अंदर मिल सकते हैं। जर्म लेयर कहाँ से होगी? एंडोडर्मल ओरिजन के साथ होगी। कोरेलियम रूबरम एडमेशिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज क्लासेस। देयर इज अ क्लासिफिकेशन चार्ट और यू कैन से फ्लो चार्ट। इन केस ऑफ हाइड्रोजोआ हाइड्राज बोलते हैं, इनको जेलीफिश बोलते हैं और इनको सी एनिमल्स बोलते हैं। सॉलिटरी कॉलोनियल दोनों हो सकते हैं, सॉलिटरी हो सकते हैं, बट यहाँ पे भी सॉलिटरी होंगे। लाइफ हिस्ट्री देखो बच्चे, हाइड्रोजोआ में क्या होगा? पॉलिप फॉर्म, मेडुसोइड फॉर्म दोनों। मेनली यहाँ पे मेडुसोइड फॉर्म होगी स्काइफोजोआ में, एंथोजोआ के अंदर ओनली पॉलीपोइड होगी। मीजोग्लिया क्या होगी? नॉन सेलुलर। यहाँ पे मीजोग्लिया में जेली लाइक सब्सटेंसेस होंगे और यहाँ पे क्या होंगे? कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन हाइड्रोजोआ के अंदर कोई डिवाइडिंग स्टेट में नहीं होगी। यहाँ पे फोर चैम्बर्ड होंगे, यहाँ पे मल्टीपल चैम्बर्स होंगे जिनको मेसेंट्रीज का नाम देंगे। क्लियर है? एक्टोडर्म से अराइज करेगी स्काइफोजोआ में दोनों से, और एंथोजोआ के अंदर भी दोनों से। जर्म सेल्स बेसिकली क्या होंगे? हाइड्रोजोआ के अंदर एक्टोडर्मल ओरिजन, स्काइफोजोआ में एंडोडर्मल ओरिजन और एंथोजोआ में भी एंडोडर्मल ओरिजन। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएंगे जॉइड्स के फॉर्म में। यहाँ कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा और यहाँ पे भी कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। जो हाइड्रोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है? हाइड्रा, ओबेलिया, सीफर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रा और यू कैन से हाइड्रोजोआ। बट इन केस ऑफ स्काइफोजोआ दी एग्जाम्पल्स आर ओरेलिया, इन केस ऑफ एंथोजोआ दीज आर अंडर एडमेशिया। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट फॉर फाइलम निडेरिया। नाउ दिस इज सेक्शन फॉर क्वेश्चंस। द सेल्स यूज फॉर एनकरेज और डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे आर नीडोब्लास्ट। क्लियर टू ऑल? द सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टेटोसिस्ट। जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर पॉलिप, पॉलिप के लिए जो पॉलिप फॉर्म दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं? हाइड्रा। क्लियर है? एंड एग्जाम्पल फॉर मेडुसा, बोथ ओरेलिया एज वेल एज राइजोस्टोमा शोज बोथ टाइप ऑफ मेडुसाइड फॉर्म।
Clear to all? Hope so this lecture is capable to understand to all of you. And if you like our video, then please subscribe our channel and stay connected for more videos on this topic. Thank you. Have a nice day.